दुनिया भर के रहस्यमय प्राणियों के बारे में हम आए दिन नई कहानियां सुनते हैं, जिन्हें इंसान सही या गलत साबित करने का दावा करते आए हैं। एक तरफ हमारी तर्क शक्ति कहती है कि ऐसे जीवों के होने का दावा झूठा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद भी हमारे मन में घर कर लेती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसे जीव हो सकते हैं। विशालकाय और रहस्यमय जीवों के ज्यादातर किस्से प्राचीन कहानियों और लोगों द्वारा कही बातों पर आधारित होते हैं और हमारी कल्पनाओं के साथ एक नया रूप लेते हैं, पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके होने के वैज्ञानिक सबूत हमें मिले हैं। भले ही ये जीव आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके वजूद के ठोस वैज्ञानिक सबूत साबित करते हैं कि ये विशालकाय और रहस्यमय प्राणी एक समय धरती पर मौजूद थे। ऐसी ही एक जीव पानी में रहने वाली एक विशाल शार्क की प्रजाति थी, जिसे मेगालोडॉन कहते हैं। कहा जाता है कि ये विशाल शार्क आज से 26 लाख साल पहले पानी में रहने वाली सबसे बड़ी परभक्षी थी, जो कि लंबाई में 60 फीट के आकार की हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस रहस्यमय जीव को लेकर दावे किए गए कि समुद्र का ये विशाल दानव आज भी जिंदा है। मेगालोडॉन शार्क कई बड़े चैनल्स की डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनी, जिनमें दावे किए जाते रहे कि मेगालोडॉन प्रजाति की कुछ विशाल शार्क आज भी गहरे समुद्र में मौजूद हैं। 26 लाख साल पहले पाई जाने वाली ये महाकाय मछली लोगों को हैरान और उत्सुक कर देती है कि क्या 60 फीट लंबी शार्क आज भी मौजूद हो सकती है। खोजकर्ताओं को मिले जीवाश्म और दूसरे अवशेषों से पता चला है कि मेगालोडॉन आज से 26 लाख साल पहले समुद्र में राज करती थी। ये परभक्षियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती थी। इसका 18 मीटर लंबा आकार साबित करता है कि ये एक समय समुद्र की सबसे खतरनाक और विशाल प्राणी रही होगी, जिसे मात देने वाला कोई नहीं था। अपने 2 मीटर से ज्यादा चौड़े जबड़े और 7 इंच लंबे 270 दांतों से ये बड़े बड़े समुद्री प्राणी को जिंदा निकलने में सक्षम थी। आज की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में मेगालोडॉन का आकार 5 गुना रहा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जीव अब पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी समुद्री घटनाएं सामने आई जिनमें लोगों ने माना कि ये विशाल दानव आज भी समुद्र की गहराई में कहीं छिपा हुआ है, जो कभी कभी इंसानों को अपनी झलक दिखाता है। सन 1875 में HMS चैलेंजर जहाज से हुए एक समुद्री अभियान में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए, जिनके कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये केवल 10,000 साल पुराने रहे होंगे। लाखों साल पहले विलुप्त हुई मेगालोडॉन के 10,000 साल पुराने इन दांतों के मिलने से खोजकर्ताओं को काफी हैरानी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि मानो ये महाकाय मछली मानव जाति के उदय से कुछ ही समय पहले विलुप्त हुई थी। 1918 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें मेगालोडॉन को देखे जाने के दावे किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रकृति वैज्ञानिक डेविड स्टीड ने बताया कि उनके साथ काम कर रहे मछुआरों ने ब्रोटन आइलैंड के पास 35 मीटर लंबी एक विशाल शार्क मछली को देखा था, जिसके डर की वजह से उन्होंने काम पर जाने से मना कर दिया। मछुआरों ने बताया कि उन्होंने 35 मीटर से ज्यादा लंबी शार्क मछली को देखा था, जो पूरी सफेद रंग की थी। क्या सच में कोई शार्क इतनी बड़ी हो सकती है? इस दावे को जानकर ज्यादातर लोगों ने माना कि मछुआरे शार्क को लेकर काफी कंफ्यूज थे और उसके आकार का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। आधुनिक समय में मेगालोडॉन के सबूतों की बात की जाए तो ज्यादातर दावे झूठे साबित होते हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सच्चाई के काफी करीब हैं। 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को खोजने का मिशन दिखाया गया। इस इलाके में एक बहुत बड़ी शार्क होने के दावे कई सालों से सामने आते रहे। देखने वालों ने बताया कि ये विशाल शार्क 45 फीट लंबी रही होगी, जो वहाँ के समुद्री स्तनपाइयों की आबादी को तेजी से अपना शिकार बना रही थी। हालांकि चैनल की टीम इस समुद्री शैतान को खोज पाने में नाकामयाब रही,
पर शोधकर्ताओं ने माना कि ये बड़ी शार्क यहाँ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा सन 2012 में शार्क रेंगलर नाम के एक शो में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मछुआरों का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने 30 से 40 फीट लंबी एक बड़ी शार्क मछली को अपनी आंखों से देखा है। मछुआरों ने बताया कि वो शार्क मछली उनकी 35 फीट लंबी बोट से भी ज्यादा बड़ी थी। इसके साथ ही डिस्कवरी चैनल भी 2012, 2013 और 14 में मेगालोडॉन पर कई शो बना चुका है। सभी घटनाओं को मेगालोडॉन शार्क से जोड़ा जाता रहा, पर सभी की सच्चाई संदिग्ध ही रही। ज्यादातर दावों में शार्क के आकार को बढ़ाकर बताया गया, कई केसेस में तो ग्रेट व्हाइट शार्क को ही मेगालोडॉन समझ लिया गया। लेकिन क्या सच में ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास हैं जो साबित कर सके कि मेगालोडॉन शार्क अब भी गहरे समुद्र में कहीं छिपी हुई है? कुछ वैज्ञानिक तथ्य इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद इस समुद्री दानव के अब भी बचे होने की उम्मीद है। पिछले 100 सालों में हुई समुद्री खोजों में कई ऐसे समुद्री जीवों को देखा गया जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे। ये सभी जीव विज्ञान के इतिहास में कब के विलुप्त माने जाते रहे, लेकिन इन्हें फिर से जिंदा देखे जाने पर जीव विज्ञान के इतिहास में इनका एक और पन्ना जुड़ गया। मेगामाउथ शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा शार्कों की एक और प्रजाति है जो करीब 7 मीटर तक लंबी होती है। पर हैरानी की बात है कि शार्क की ये अनोखी प्रजाति 1976 तक इंसानों से अनजान थी। 1976 में इसकी खोज के बाद पता चला कि ऐसे भी कोई शार्क दुनिया में मौजूद है। सिलिकेंथ नाम की मछली इससे भी ज्यादा विचित्र है। सिलिकेंथ के बारे में धारणा थी कि ये मछली आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, पर 1938 में सिलिकेंथ साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारों पर पाई गई, वो भी एकदम सही हालातों में। मछली की ये प्रजाति डायनासोर के समय से धरती पर अपने वजूद को कायम रखे हुए है, हालांकि ये आकार में केवल 6 फीट लंबी होती है। इसके अलावा बड़े समुद्री जीवों में 14 मीटर लंबे स्क्विड भी हमें मिले हैं जो मरने के बाद समुद्री किनारों पर बह आते हैं। वहीं कई और ऐसे जीव हैं जो एक समय तक विलुप्त माने जाते रहे, पर उनके फिर से मिलने पर सभी को हैरानी हुई। ये सभी जीव विलुप्त समझे जाने के बाद भी फिर से खोज लिए गए। कई सदियों तक इंसान इनके वजूद से भी अनजान था, तो क्या मेगालोडॉन शार्क भी अपने वजूद को बचा पाने में कामयाब रही होगी? इसके साथ ही इनके विलुप्त होने की वजह भी एक बड़ी बहस का विषय है। खाने की कमी, मौसमी बदलाव और दूसरे कारण भी किसी प्रजाति को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। हमारे पास मेगालोडॉन के जीवाश्म भले ही मौजूद हों, लेकिन हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि समुद्र पर राज करने वाली ये विशाल दानवों की प्रजाति आखिर कैसे विलुप्त हुई। मेगालोडॉन से जुड़ी सभी कहानियों और दावों को देखा जाए तो सभी अपने आप में अधूरे हैं। वही साइंस इसे पूरी तरह से विलुप्त मान चुकी है, पर सस्तु यह है कि समुद्र इतना विशाल है कि इसकी खाक छानने में हमें अभी कई हजार साल और लगेंगे। हो सकता है कि मेगालोडॉन शार्क अब भी समुद्र की गहराई में किसी जगह फल फूल रहे हो जहां इंसान कभी गया ही न हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।